फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो प्रोपापा गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों नहीं मिला आपको वालों फ्री में, आखिर क्या गलती थी आपकी या क्या इंडिया वालों गलती है, और दूसरे सर्वर्स में कौन कौन से इवेंट फ्री में देते हैं, आलोक भी अधिकतर उस पर डिस्काउंट हो जाता है। तो गाइज आप आज मैं आपको उसकी फुल डिटेल वाला हूँ। उससे पहले गाइज, अगर आप ये जो इवेंट नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूंगा, इनमें से ये जो 26 कैरेक्टर आए हैं इनमें से कोई सा भी आप 23 तारीख को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। बस एक कैरेक्टर लेना है। तो गाइज आज तक फ्री फायर में जितने कैरेक्टर है वो सारे यहाँ पर है बिना आलोक के। तो गाइज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसमें क्या गलती है क्या नहीं गलती है। तो गाइज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले गाइज बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन पे ऑल प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे इंडिया रीजन में ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है गाइस। हमारे इंडिया रीजन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे इंडिया वालों की ऐसी गलती है गाइस कि हम लोग हर एक चीज़ को रेयर बनाए हुए, ठीक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिनों पहले गए जब हमारे जो भाई फ्री फायर पहले से खेल रहे हैं उनको बताओ, तो गए कुछ महीनों पहले हमारे जो फ्लैग वाली इमोट है वो 500 डायमंड के टॉपअप करने पर आए थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त वो इमोट रेयर नहीं थी, ठीक है गाइस। मैं आपको एक मिनट रुको गाइस, आपको इमेज मतलब पिक भी शो कर देता हूँ। तो गाइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइस, ये है वो इमोट जिसके नीचे गाइस आप स्क्रीन पर मतलब इसी ये जो पिक है इसको ध्यान से हो गए, जो इमोट है उसके नीचे ब्लू पिंक लाइन बनी हुई है, मतलब ये अभी रेयर नहीं है, ठीक है गाइस अभी रेयर नहीं है। उसके बाद गाइस आपको मैं दूसरी पिक दिखाऊंगा, जब हमारे इंडिया वाले जब भी मतलब इमोट आकर चले गए टॉप ऑफ रिवॉर्ड में, वैसे गरीना इसको स्टोर में देने वाली थी, लेकिन गाइस उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब हमारे इंडिया वालों ने जब पीछे पड़ के रखा कि भाई हमको इमोट चाहिए, तब गरीना समझ गया कि भाई इस इमोट से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो गाइज उन्होंने इस इमोट को रेयर बना दिया। तो गाइज मैं पिक भी शो कर देता हूँ। तो गाइज देख ही सकते हैं, ये वो जो अब इमोट है, जो गाइज पहले इमोट थी उसके ऊपर पिंक लाइन बनी हुई है ना गाइज, लेकिन अब देखो गाइज ये जो ये इमोट है इसके नीचे पीली लाइन बनी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेयर हो चुकी है, ठीक है गाइज। ये हमारी पहले रेयर नहीं थी गाइज, अब रेयर हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हो हमारे इंडिया वाले कैसे, उनको अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो वो उस चीज़ के इतना पीछे पड़ जाते हैं कि भाई गरीना को मजबूरी में गाइज उसको वो समझ जाते कि भाई मतलब जो मतलब इंडिया वाले हैं वो अब इसके लिए बहुत सारे पैसे देंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज मैं आपको बताऊँगा इसे हमारे जो आर्टिक ग्लू है, ठीक है गाइज, हमारे जो आर्टिक ग्लू उसको सब लोग कितना रेयर मानते हैं गाइज, ठीक है, सब लोग बहुत ज़्यादा रेयर मानते हैं। तो और गाइस जो ब्रेक डांसर बंडल है उसको बहुत ज़्यादा रेयर मानते हैं, और जो इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा रेयर मानते हैं। लेकिन गाइस जो अदर सर्वर हैं उन पर ये जो मैजिक क्यूब स्टोर है उनको उन पर ये ऐसे पड़े हुए हैं, और गाइस जो पीली लाइन बनी हुई थी जो बहुत ज़्यादा रेयर होती है वो उस पर बनी हुई नहीं है, उससे पिंक लाइन बनी हुई है, गाइस बस थोड़ा बहुत ही रेयर, इतना ज़्यादा रेयर भी नहीं है, क्योंकि वो लोग गाइस क्या करते हैं, वो लोग मरते हैं मतलब ऐसे किसी नाटक नहीं करते किसी चीज़ के लिए। लेकिन हमारे वाले इंडिया वाले कैसे करते हैं, हर एक चीज़ के लिए कि हमको चाहिए तो चाहिए चाहिए तो चाहिए, यूट्यूबर से मांगते हैं, भाई मांगो। लेकिन फिर क्या गाइस यूट्यूब मान लो आपने मुझसे कोई बंडल मांग लिया, ठीक है, अब मैंने उस बंडल को बार बार परचेस किया, मैंने उस बंडल को बार बार परचेस करने से गाइस क्या हुआ, क्योंकि गरीना समझ जाएगी कि भाई ये बंडल ज़्यादा परचेस हो रहा है, मतलब इस बंडल की ज़्यादा डिमांड है, तो इस बंडल की डिमांड है तो इस बंडल को हम स्टोर से हटा देते हैं, क्योंकि गाइस स्टोर से जब हटाएंगे तो लोग देखेंगे बंडल कहाँ है, और बंडल आएगा कोई इवेंट में जिसमें हमको डायमंड खर्च करने पड़ेंगे, जब डायमंड खर्च करेंगे तो हमको वो इवेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये गलती है आप लोगों की, हमारे इंडिया वालों की, हर किसी की गलती है भाई कि हम क्यों नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आपको कुछ बात बताता हूँ गाइस, जैसे हमारा देखो मैजिक स्टोर है, मैजिक क्यूब स्टोर है, उस पर गाइस जो हमारा नया जो बंडल है एलसी कमांडर का, तो गाइस दो बंडल आए और दो बंडल गरीना ने नीचे से हटा दिया है ना गाइस, क्योंकि गरीना जानती कि भाई दो जितने बंडल हम हटाएंगे उतने ज़्यादा हमको पैसे मिलेंगे, गरीना इंडिया रीजन में जानती है, ठीक है, इंडिया रीजन में ये रूल है। और गाइस जो अदर सर्वर हैं उन पर दो बंडल आए चाहे 10 बंडल आए, वो गरीना उसको वहाँ से हटाती नहीं, क्योंकि गाइस गरीना समझ गई कि भाई उन लोगों को इतनी ज़्यादा किसी चीज़ का शौक नहीं है, ठीक है गाइस, उन लोगों को पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस जो हमारे जो थ्रोन इमोट है, जो कुर्सी वाली इमोट है, और जो ये रोज देने वाली इमोट है वेल्ट एंड टॉपअप इवेंट पर आई थी गाइस, ये भी ऐसे ही हैं कि मतलब हमारी जो अदर सर्वर से गए उन पर ऐसे ही मतलब पड़े हुए हैं, मतलब कोई उनको नॉर्मल है गाइस, स्टोर में अवेलेबल है उनके, ये हमारे स्टोर में अवेलेबल नहीं, क्योंकि गाइस गरीना जानती है भाई उनके उनको इतने ज़्यादा किसी का शौक नहीं है, उनको मिले तो ठीक है वरना जयराम जी की, लेकिन गाइस हमारे इंडिया सर्वर में ऐसा है कि भाई उनको चाहिए तो चाहिए। तो गाइस मैं आपको आलोक भी ऐसा बताता हूँ, आपको आलोक भी ऐसे ही है गाइस, देखो गाइस हमारे अदर सर्वर है उस पर आलोक पर 83% डिस्काउंट आ चुका है, ठीक है गाइस, कि आलोक वहाँ पर कोई लेता नहीं, उनको भाई हयातुस खेलना है, ये वो करना है उनको मतलब नहीं, उनको गेम प्ले से मतलब, अगर उनकी एबिलिटी अच्छी होगी तो वो गेम प्ले ढंग से कर पाएंगे, अगर आलोक ले अगर वो सोचेंगे भाई आलोक लेने से हमारे गेम प्ले छटेगा तो भाई गलत सोच आपकी,
तो ठीक है, उनको उनको कुछ मतलब नहीं आलोक से, वो जानते कि भाई हमको आलो चाहिए, तो गए वहाँ पर क्या आलोक इतना सेल नहीं होता, होता है जैसे हमारे बीटू के हैं वगैरह वगैरह जो बड़े बड़े ट्यूबर्स हैं उनके पास है, जिनके पास नहीं है तो वो उनको कोई मतलब नहीं, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने गेम प्ले पे देंगे, वही सोचते हैं। उसके बाद गए गाइज, उसके बाद जो हमारे इसीलिए गए थे जो हमारे जो इंडिया रीजन के वो हैं जो मतलब यूट्यूबर्स हैं, तो क्या करते हैं हमारे मतलब जो जितने वॉचर्स हैं मतलब जितने व्यूवर्स हैं देखते हैं हमारे वीडियो को, तो वो उनसे क्या करते हैं भाई हमको आलोक दे, तो भाई हमको आलोक, हर एक बंदा गाइस आपको यकीन नहीं है तो गाइस लोकेश की हमारी वीडियो चल जाओ, मेरी वीडियो चल जाओ, किसी भी मतलब छोटे छोटे यूट्यूबर चले वो बस एक ही चीज बोलेगा भाई आलोक दे दो। तो गाइस मैं तो इंडिया रीजन में आलोक की बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए गरीना उसको इसी इवेंट में देती थी, ठीक है। अगर गरीना को देना होता वो संभव होगा, आप लोग खुद जानते हो कि भाई अगर 26 कैरेक्टर दिए तो उन्होंने आलोक क्यों नहीं दिया गाइस, क्योंकि आलोक को जानती कि भाई आलोक के लिए मतलब आलोक की डिमांड है इंडिया में बहुत ज्यादा, तो वो गरीना फ्री में नहीं देगी, वो बेवकूफ नहीं गरीना गाइस, गाइज वो पैसे हटेगी ढंग से, वो उसको पता है, वो डिस्काउंट भी बहुत कम देती है, आलोक के ऊपर कम देगी, बाकी सभी मतलब कैरेक्टर के ऊपर देगी, लेकिन आलोक के बंडल के ऊपर आलोक के ऊपर नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई गरीना मतलब इंडिया रीजन में काफ़ी डिमांड है इसकी, तो वो पैसे हटने चाहिए। तो गाइज देखते गाइज मैं आपको बताना देता हूँ, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि भाई हर एक चीज़ को रेयर मत बोलो, मतलब बोलो कि भाई अच्छी चीज़ है तो मुझे चाहिए तो यार मिल जाएगा, और गाइज अच्छी चीज़ मतलब ये है मुझे मिले, अच्छी चीज़ बोलो कि रेयर मत बनाओ उसको, हर एक बंदा रेयर मत बनाए तो हर एक बंदा रेयर बना देता, हर एक चीज़ को रेयर बना देता हर एक चीज़ को, ठीक है गाइज। तो यही गलती है गाइज, देखो आप लोग की है, आपकी है मेरी, अभी देखो गाइज इस वीडियो के नीचे आपको मैं बता रहा हूँ, 100% आपको यकीन नहीं है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देखना गाइज, इसमें भी दो तीन बंदे मुझे बोलेंगे भाई आलोक दे दो मुझे, प्लीज़ आलोक दे दो भाई, आलोक दे दो, आलोक दे दो। गाइज मैं आलोक से खुद नहीं खेलता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे आलोक पसंद ही नहीं है, क्योंकि गाइज उससे अच्छी एबिलिटी हयातो की है, तो गाइज मैं इसके ऊपर एक कल हो सका तो परसों वीडियो लाऊंगा आलोक के ऊपर, तो आप लोग उसको जरूर देखना, ठीक है। और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइज, क्योंकि मैं कुछ दिनों वहाँ पर अपडेट्स की वीडियो डालने वाला हूँ, और जो मतलब रिडीम कोड्स हैं वहाँ पर मैं थोड़े दिनों में पोस्ट करने वाला, जैसे मेरे 1K हो जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो गाइज, मतलब कर लो यार, मतलब क्या जा रहा है आप लोगों का, मुझे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरे ट्राई करूँगा, ठीक है। और गाइज जो पिछली वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है वो मैंने शुरुआत में निकाल दिया गाइज, और अगर आप भी जाते हो आपको शॉर्ट आउट मिले तो गाइज आप क्या करना गाइज, सबसे पहला कमेंट मेरी वीडियो पर आप ही करना, ठीक है गाइज। तो गाइज होप कर तो आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद है तो आए तो लाइक करना, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन ऑल पे सबसे पहले। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेल देम टेक केयर बाबा गाइज। और भाइयों एक ही आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि हर एक चीज़ को रेयर मत बनाओ, आपको वो चीज़ 100% देखने को फ्री में देखने को मिलेगी, ठीक है गाइज। अब जैसे आलोक हमको नहीं देखने को मिला, आप देखते क्या आया, अब कितने ऊपर डिस्काउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट होता है, तो देखता हूँ गाइज मैं आलोक के ऊपर क्या आता है, ठीक है गाइज। तो गाइज आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेल देम टेक केयर बाबा गाइज, लव यू फ्रेंड्स।